नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि एक नया टॉपिक ले रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है मारक खंड। यानी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कुंडली के अंदर कि भाई इस इंसान की आयु दीर्घायु है, ये आदमी मध्यम आयु का है, या ये आदमी तुम्हारी शॉर्ट आयु है इनकी। तो उसके बाद जब जीवन मृत्यु इंसान को आती है तो एक मृत्यु खंड लगता है। कुछ ऐसी दशाएं या अंतर दशाएं प्ले करती हैं जिससे ये मालूम चलता है कि ये दशा अंतर दशा ऐसी है जो इंसान को मृत्यु तक दे सकती है, जातक को मृत्यु तक दे सकती है। तो वो दशाएं कौन सी होती हैं और शास्त्रों में उनके बारे में क्या कहा गया है कि किस दशा में या किस अंतर दशा में इंसान की या जातक की मृत्यु हो सकती है। तो वो दशाएं मैं आपको बताऊंगा, वो दशा अंतर दशा कौन सी होती हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने वो सी चीज बनाई हुई है और शास्त्रों अनुसार है। जो जो चीज उसमें लिखा हुआ है वो सब चीज शास्त्रों में लिखी हुई है, कोई चीज अपनी बनाई भी नहीं है। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहला श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहते हैं, व्यय शस्य यानी कि द्वादश भाव के स्वामी दशाकाले, व्यय शस्य दशाकाले धनेशो मार्को भवत, द्वितीय से दशाकाले व्ययशो मार्को भवत। इसका मतलब ये है व्यय शस्य यानी कि द्वादश भाव के स्वामी की दशा हो और धनेशो की मार्को, धनेशो मार्को भवत, और दूसरे भाव धनेश किसको बोलते हैं, दूसरे भाव को, और दूसरे भाव की अंतरदशा हो तो वो मारक सिद्ध होती है। और इसका अपोजिट भी, या दूसरे भाव की महादशा हो और उसके अंदर द्वादश भाव की अंतरदशा हो तो मारक सिद्ध होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर कि द्वादश भाव के स्वामी की दशा हो और दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, या द्वितीय भाव के स्वामी की दशा हो और बारहवें भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, तो वह समय मारक या अर्थात मृत्यु देने वाला होता है। जब इस तरह की दशा आए कुंडली के अंदर तो बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए और बहुत केयरफुल तरीके से कुंडली को देखना चाहिए। दूसरा नियम इसमें यह है व्ययनाथ दशा काले, व्ययनाथ दशा काले, व्ययनाथ मतलब हुआ बारहवें भाव का स्वामी। द्वितीय शेन संगता, द्वितीय से दृष्टाश्चय मारक प्रबुल श्रुता। इसका मतलब क्या हुआ, व्ययनाथ दशा काले यानी द्वादश भाव के स्वामी की महादशा हो और द्वितीय येषण संगता और किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो द्वितीयेश के साथ हो, द्वितीयेश के साथ हो, या द्वितीय से दृष्टाश या द्वितीय से दृष्ट हो, तो वो भुक्ति, वो अंतरदशा मारक सिद्ध हो सकती है। यदि द्वादश भाव के स्वामी की महादशा हो और किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो सेकंड हाउस के स्वामी के साथ बैठा हो या उससे दृष्ट हो, उससे एस्पेक्टेड हो, तो वह दशा भी मारक सिद्ध हो सकती है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रेजेंटेशन से है तो इनको आप नोट कर सकते हैं। ये दशाएं ऐसी है जो सारी दशाएं कवर करती हैं मारक खंड वाली। जब भी कोई ऐसी कोई बात हो तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। कोई बहुत ही बीमार व्यक्ति कुंडली आप देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारक खंड लगा हुआ है। तीसरा श्लोक इसके अंदर कहता है, द्वितीय से दशा काले व्यय स्थान स्थित खगा व्यय श्रीपति दृष्टा प्रबल मारक श्रुता। यानी कि दूसरे भाव के स्वामी की दशा हो, यदि दूसरे भाव के स्वामी की दशा हो द्वितीय से दशा काले और अंतरदशा किसकी हो, व्यय स्थान स्थित खगा, खगा मीन्स बोलते हैं ग्रह, ऐसे ग्रह की हो जो व्यय स्थान में स्थित हो। व्यय स्थान कौन सा हुआ, बारहवां स्थान, व्यय स्थान में स्थित होकर और फिर उसी से दृष्ट हो, व्ययाशी पतिना दृष्टा, तो वो प्रबल मारक श्रुता मतलब प्रबल मारक दशा वो हो सकती है। तो इसमें कहता है यदि दूसरे भाव के स्वामी की दशा हो और अंतरदशा ऐसे ग्रह की हो
जो 12वें भाव में स्थित होकर 12वें भाव के स्वामी से द्रष्ट हो, तो ऐसी दशा में अंतरदशा में मृत्यु हो सकती है। चौथा श्लोक है, व्ययनाथ दशा काले तत्रस्था पापिना खगा तेषा अंतरदशा काले मार्कासु भवन्ति ते। खगा मैंने आपको पहले भी ग्रह बताया है। व्ययनाथ दशा काले, व्ययनाथ दशा काले मीन्स द्वादशेश की दशा हो, यानी 12वें भाव के स्वामी हो, उसको व्ययनाथ कहते हैं, व्ययेश भी कहते हैं, 12वें भाव के स्वामी की दशा हो और तत्रस्था पापिना खगा और द्वादश भाव में स्थित किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो पापी हो, तो उस पापी की भुक्ति में मृत्यु हो सकती है। ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो याद करना है। यदि द्वादशेश की दशा हो और द्वादश भाव में स्थित किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो पापी हो, तो उस पापी की भुक्ति में भी, उस पापी की अंतरदशा में भी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद आता है द्वितीय राशि स्थित पाप खेटा दशा विपाके व्ययनाथ संगता तन भुक्ति कला काले चेत पापिनो ग्रह हस्तता मार्ग नायक कश्यु। इसका मतलब क्या है कि यदि द्वितीय भाव में यानी सेकंड भाव में पापी ग्रह स्थित हो, द्वितीय राशि स्थित पाप खेटा यानी द्वितीय भाव में पापी ग्रह बैठा हो और उनके साथ व्ययनाथ संगता द्वादश भाव का स्वामी भी हो तन भुक्ति दशा काले, तो वे अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में मृत्यु दे सकते हैं। आई रिपीट, यदि द्वितीय भाव में पापी ग्रह स्थित हो, सेकंड भाव में पापी ग्रह स्थित हो और उसके साथ ट्वेल्थ भाव का स्वामी भी स्थित हो, तो वह ग्रह अपनी दशा में मृत्यु दे सकते हैं। फिर श्लोक कहता है, वे राशि स्थ पापिना दशा काले तू मार्क द्वितीय शिशि संबंधी सचरा पापी नो ग्रह। ये यहां पर एक देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर यदि पाराशरी नियमों के अनुसार पापी ग्रह द्वादश भाव हो, पाराशरी नियमों के अनुसार पापी ग्रह मतलब क्या हुआ कि जो कुंडली के लिए योग कारक ना हो। आप योग कारक ग्रह कैसे निकालते हैं, कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह योग कारक नहीं है कुंडली के लिए, उनका वैसे नॉर्मली आपको आता ही होगा निकालना, पर फिर भी एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि जो ग्रह लगन के मित्र होते हैं वो नॉर्मली कुंडली के लिए योग कारक होते हैं और जो ग्रह लगन के शत्रु होते हैं वो नॉर्मली कुंडली के लिए योग कारक नहीं होते। तो वही इसमें कहा गया है। अब जैसे तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो तीसरे और छठे भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति। तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह होते हुए भी, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी योग कारक ग्रह का रोल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तीसरा और छठा भाव आया है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि यदि पाराशर नियमों के अनुसार पापी ग्रह यानी इस तरह का ग्रह जो योग कारक ना हो कुंडली के लिए, 12वें भाव में हो और उसकी दशा हो और अंतरदशा एक ऐसे पापी ग्रह की हो जिसको द्वितीय भाव का स्वामी अपनी युति अथवा दृष्टि से प्रभावित करता हो और उसके अंदर एक ऐसे पापी ग्रह की दशा हो, यहाँ पापी ग्रह आया है, यहाँ लेखक ने कहा है पापी ग्रह। पापी ग्रह मीन्स सूर्य मंगल शनि राहु केतु, और ऐसे पापी ग्रह की अंतरदशा हो जिसको सेकंड हाउस का स्वामी अपनी दृष्टि से देखता हो या उसके साथ में बैठा हो, तो वो भी मारक सिद्ध होती है। ये एक श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें हमेशा याद रखना। अष्टमेशे दशा काले तद्भुक्तोम सोपि मार्के षष्ठे से निधन रंध्रे शांत हुर्तो भवेत। अष्टमेश की दशा और अष्टमेश हो कि मुक्ति मारक सिद्ध हो सकती है। अष्टमेश दशा सातवां श्लोक है ये वाला। सातवें श्लोक में वो कहता है कि अष्टमेश की दशा हो और अष्टमेश की ही भुक्ति हो, यानी अष्टमेश की दशा हो, अष्टमेश दशा काले तत्भुक्तो यानी उसी की अष्टमेश यानी आठवें भाव के स्वामी की दशा हो और आठवें भाव के स्वामी की ही अंतरदशा हो। जैसे आठवें भाव का स्वामी मान लिया शनि है तो शनि में शनि की दशा हो गई, तो अष्टमेश दशा काले तद्भुक्तो सोपी मार्के षष्ठे से निधन। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टमेश की दशा हो और अष्टमेश ही की अंतरदशा हो तो वो मार्ग सिद्ध हो सकती है। छठे भाव के स्वामी की दशा में अष्टमेश की अंतरदशा भी मार्ग सिद्ध हो सकती है।
सस्तेशे निधन रंध्रे, रंध्रे रंध्र भाव बोलते हैं अष्टम भाव को, शांत हुर्तो भवेत, यानी छठे भाव की स्वामी की दशा में अष्टमेश की अंतर दशा भी मारक सिद्ध हो सकती है। तो दो इसके अंदर सिद्धांत दिए हुए हैं, एक तो ये कि आठवें भाव के स्वामी की दशा हो और आठवें भाव की स्वामी की ही अंतर दशा हो तो मारक सिद्ध हो सकता है, और छठे भाव के स्वामी की दशा में अष्टमेश की अंतर दशा हो तो भी मारक सिद्ध हो सकती है। ये श्लोक आपको याद रखने। उसके बाद आपका आता है अष्टमेशे दशा काले षष्ठ राशि से पापी नाम हतो जातस्य निधन वदन्ति विभूषुताम, यानी अष्टमेश की दशा में अष्टमेश ग्रह की अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है और छठे भाव में पड़े हुए पापी ग्रहों की अंतर दशा चल रही है। आई रिपीट, पहले दिया था हमने कि अष्टमेश की दशा हो और अष्टमेश की ही अंतर दशा हो तो मारक सिद्ध हो जाती है। अब कहते हैं कि अष्टमेश की महादशा चल रही है और जो छठा भाव हमारा है उसमें कोई पापी ग्रह बैठा है, सूर्य मंगल शनि राहु केतु वगैरह बैठा है, उसकी अंतर दशा हो तो वो भी मृत्यु दे सकती है, मृत्यु कारक होती है। ये दशाएं जब भी आए तो कुंडली पे एकदम केयरफुल हो जाइए और ध्यान रखिए कि बस इन दशाओं में कुछ भी हो सकता है, ये दशा मारक दशाएं हैं, ये मारक खंड लग जाता है इसके अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाइन्थ श्लोक में आपको सुनाता हूं। नाइन्थ श्लोक में कहता है षष्ठनाथा दशा काले अष्टमस्य खगस्य च, षष्ठनाथा मीन्स छठे भाव के स्वामी दशा काले, यानी छठे भाव के स्वामी की दशा हो, और अष्टमस्य खगस्य च, और अष्टम भाव में स्थित खगस्य मीन्स खगस, खग बोलते हैं ग्रह को, अष्टम भाव में स्थित ग्रह की अंतर दशा हो तो वो भी निधन मृत्यु दे सकती है। छठे भाव के स्वामी की दशा में अष्टम भाव के स्वामी की अंतर दशा हो तो वो भी मृत्यु दे सकती है। तो ये श्लोक भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा श्लोक कहता है, ये जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ ये ही श्लोक है मारकखंड के, इनको अगर आपने नोट कर लिया तो मारकखंड पता लगाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कुंडली में आप चेक कर सकते हैं कि मारकखंड है या नहीं है, यही 10-15-20 श्लोक है जो मारकखंड में इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरा श्लोक है अष्टमेशे दशा काले अष्टमेशेन विक्षिता षष्ठेशे संगता ये छ तान वंदति ही मार्गान, यदि अष्टम भाव के स्वामी की दशा हो, अष्टमेशे दशा काले, यदि अष्टम भाव के स्वामी की दशा हो और ऐसे ग्रह की अंतर दशा हो जो या तो अष्टमेशे दृष्ट हो, अष्टमेशेन विक्षिता अष्टमेशे दृष्ट हो, या षष्ठेश के साथ हो, षष्ठेश संगता, तो वह स्थिति भी मारक सिद्ध हो सकती है। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, छठा आठवां दूसरे भाव का रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो वो यही कहता है यदि अष्टम भाव के स्वामी की महादशा हो और ऐसे ग्रह की अंतर दशा हो जो या तो अष्टमेश से दृष्ट हो, जिसको अष्टम भाव का स्वामी देखता हो, या षष्ठेश के साथ बैठा हो, तो वह स्थिति भी मारक सिद्ध हो जाती है। एक श्लोक में आपको और बताता हूं, ये है अष्टमासी सिस्था पापस्य दशा काले वदन्द ही षष्ठे स्थान तिरंत दशा कालो ही मारके, यानी अष्टम भाव में स्थित पापी ग्रह की दशा हो, अष्टमासी स्थित पापस्य दशा काले, अष्टम ग्रह मान अष्टम भाव में स्थित पापी ग्रह की दशा काले दशा हो और छठे स्थान की स्वामी की अंतर दशा हो, छठे स्थान तिरंत दशा कालो ही मारके, छठे स्थान के स्वामी की अंतर दशा हो तो मृत्यु का समय कहा जाएगा। बहुत सिंपल है श्लोक एकदम, अष्टम भाव के स्वामी की महादशा हो, अष्टम भाव में स्थित, अष्टम भाव में मान लिया सूर्य मंगल शनि राहु केतु बैठा है और उसकी महादशा चल रही है और छठे स्थान के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है तो भी मृत्यु का समय कहा जाता है। मैं आपको एक श्लोक और बारहवां श्लोक और बता देता हूं इसके अंदर, षष्ठ स्थित पापस्य दशा काले वदन्ति ही अष्टम दीपते निरंतर दशा कालो ही मार्के, यानी षष्ठ स्थित मीन्स छठे स्थान में पड़े हुए पापी ग्रह की दशा, पापस्य दशा काले वदन्ति ही दशा में अष्टमेश की भुक्ति, यानी अष्टम स्वामी अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसकी भुक्ति जो होती है वो मारक सिद्ध होती है। तो दोनों उल्टा हो गया, यानी वहां तो था कि अष्टमेश अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, पापी ग्रह की महादशा हो और छठे ग्रह का छठे भाव का स्वामी की अंतर दशा हो तो मृत्यु होती है, यहाँ पर ये हुआ कि छठे स्थान में बैठे हुए पापी ग्रह की दशा हो
और अष्टम की अष्टमेश की अंतरदशा हो तो मृत्यु सिद्ध होती है। तो ये श्लोक आपको याद रखने वाले हैं। कुछ श्लोक और भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मुझे लगता है ये श्लोक आपको ठीक लगे होंगे और समझ में आए होंगे। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, और कुंडली में जरूर जब भी कोई बीमार हो या कोई ऐसी बात हो तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। या कोई मध्यम आयु आपको कुंडली में लगती हो और आप देख रहे हैं कि ये मध्यम आयु के निकट पहुंच चुका है इंसान जातक, तो ये श्लोक में से ये दशाएं जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसी दशा तो नहीं, कोई मारखंड दशा तो नहीं है, जिससे कि पहले से ही सावधानी बरती जा सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।